नमस्कार दोस्तों, फोन प्लस के एक और नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं सैमसंग का लेटेस्ट मॉडल सैमसंग गैलेक्सी A50s का अनबॉक्सिंग और देखेंगे कि क्या क्या इसमें फीचर दिया गया है, A50 से ज़्यादा क्या है इसमें। तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए पूरा डिटेल में जानने के लिए। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये देख सकते हैं मेरे हाथ में जो बॉक्स है A50s का, ब्लैक कलर का है। तो चलिए जल्दी से अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं अंदर क्या क्या है, कंटेंट बॉक्स कंटेंट क्या क्या है। तो अभी ओपन करते हैं इसको और देखते हैं अंदर क्या है। ठीक है, ये है हमारा फ़ोन A50s जो मेन हैंडसेट है, और अंदर है आपका चार्जर। ये है चार्जर एडेप्टिव फास्ट चार्जिंग 15 वाट का, जो भी आपको A50 में भी मिलता है, बिल्कुल सेम है, देख सकते हैं आप यहाँ पे 15 वाट का फास्ट चार्जिंग। और साथ ही आपको टाइप सी का डेटा केबल भी मिलता है, जो कि ये भी A50 में था, सेम चीज़ आपको यहाँ पे मिलता है। और एक ईयरफोन भी आपको दिया गया है यहाँ पे, सेम बिल्कुल जैसे आपको A50 में मिलता था। A50s में भी सेम एसेसरीज है। और एक मेरे हिसाब से एक कवर, TPU कवर भी होना चाहिए इसके अंदर। मैं अभी इसको ओपन करता हूँ और देखता हूँ इसके अंदर है क्या। यह है सॉफ्ट सिलिकॉन कवर, जो कि ट्रांसपेरेंट है, थोड़ा ब्लैकिश होता है, ये पूरा ट्रांसपेरेंट कलर का नहीं होता है, जो A50 में दिया गया था पहले, A50s में भी है। यह है यूज़र मैनुअल, क्विक स्टार्ट गाइड और कुछ पेपर्स हैं। और ये है हमारा मेन डिवाइस जो कि है सैमसंग गैलेक्सी A50s। देख सकते हैं इसका लुक बिल्कुल फ्रंट से सेम है, पीछे का जो डिज़ाइन है वो बिल्कुल चेंज हो गया है। देखिए कलर देख सकते हैं, डायमंड कट यहाँ पे दिया गया है, जो कि काफ़ी अच्छा, काफ़ी सुंदर लग रहा है देखने में। नीचे देख सकते हैं ये टाइप सी पोर्ट है, 3.5 mm जैक भी यहाँ पे है, और नीचे स्पीकर है। साइड में आप देख सकते हैं सिम का ट्रे है, यहाँ पे आप साइड में बिक्सी बटन और वॉल्यूम अप डाउन की भी दिया गया है, बिल्कुल सेम डिज़ाइन है जैसे आपको A50 में मिलता था। बाकी सब पीछे का लुक जो है वो बिल्कुल चेंज हो गया है, कलर डायमंड कटिंग है, पहले प्लेन मिलता था, वही चेंजेस है डिज़ाइन में। बाकी डिस्प्ले आपका देख सकते हैं इन्फिनिटी यू सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, फुल HD प्लस का रेजुलेशन है यहाँ पे। ये हमारा डिवाइस हो गया है रेडी टू यूज। देख सकते हैं इसका जो वॉलपेपर है, कुछ नया वॉलपेपर दिया गया है इसमें, कुछ नए आपको लॉक स्क्रीन के लिए और होम स्क्रीन के लिए कुछ नए वॉलपेपर्स यहाँ पे मिलते हैं, बिल्कुल अलग पहले जैसे A50 मिलते थे उसके अलावा, और कुछ नए वॉलपेपर यहाँ पे दिए गए हैं। और क्या नया है, हम इसको अभी ऑन करते हैं, थोड़ा ब्राइटनेस सेट कर रहा हूँ मैं ताकि फोकस कर सकूँ। तो चलिए हम देखते हैं और क्या है। और एक नया चीज़, मेन चीज़ आप देख सकते हैं यहाँ पे मेन्यू में सैमसंग पे यहाँ पे दिया गया है, आप डायरेक्टली कार्ड पेमेंट आप अपने फ़ोन से ही कर सकते हैं। जो ए सीरीज के फ़ोन में, अभी के फ़ोन में किसी फ़ोन में नहीं था, पहले 2017 में जो ए सीरीज आया था उसमें दिया गया था एक दो मॉडल में, लेकिन अभी आपको नहीं था। यहाँ पे लिंक टू विंडोज़ नया फीचर है, देख सकते हैं यहाँ पे है ब्लू लाइट फिल्टर यहाँ पे है, और क्या है देख सकते हैं यहाँ पे नाइट मोड है, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, मैं डे में भी नाइट मोड यूज़ करता हूँ क्योंकि स्क्रीन पूरा ब्लैक हो जाता है, बैटरी सेव होता है और आपकी आँखें भी सेव रहती हैं इससे। सॉफ्टवेयर वर्सन और UI हम चेक कर लेते हैं अभी। यहाँ पे देख सकते हैं एंड्रॉयड का 9 ऑपरेटिंग सिस्टम है, पाई जो है यहाँ पे दिया गया है, और UI 1.5 है यहाँ पे। कुछ जो नए फीचर एडिशनल देख सकते हैं जैसे लिंक टू विंडोज़ है, डिस्प्ले का कलर विविध कलर और नेचुरल वो वाला जो है वो इसमें है, और भी कुछ नए फीचर है मैं आपको आगे जाके दिखाऊंगा। ये देखते हैं पाई ऑपरेटिंग सिस्टम में यहाँ पे, जो कि बिल्कुल लेटेस्ट है एंड्रॉयड का भी। यहाँ पे डिस्प्ले का कलर आप चेंज कर सकते हैं, देखिए नेचुरल और विविध दो कलर मोड हैं। विविध में आप चाहें तो कूल और वार्म भी कर सकते हैं डिस्प्ले को। ये एक नया फीचर है जो पहले A50 में नहीं था, ये Note 10 Note 10 Plus में पहले दिया गया है, उसके बाद ही कुछ मॉडल्स में आए, A50s में भी ये जो है फीचर आपको मिलता है। यहाँ पे और एक नया फीचर देख सकते हैं आप, एज स्क्रीन में आप जैसे पहले एज मॉडल होता था, एस जितना भी एज का मॉडल आया था पहले नोट एज में दिया गया था, उसके बाद S7 एज S6 एज बहुत सारे मॉडल में ये फीचर आपने देखा होगा। एज स्क्रीन में आप रख सकते हैं अपने ऐप्स को, और यहाँ पे एज लाइटिंग का फीचर भी आपको मिलता है, जो कि ये सारे फीचर A50 में नहीं थे, आपको इसमें नया मिल रहा है। जैसे कोई भी ऐप आप यूज़ कर रहे हैं, कोई भी नोटिफिकेशन आया तो ऊपर से लाइटिंग होगा, एज लाइटिंग,
तो इसको आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं, यहाँ पे इसका कलर वगैरह इफ़ेक्ट वगैरह आप चेंज कर सकते हैं। तो ये एक बिल्कुल नया फीचर है A50s में, जो कि A50 में नहीं था, इसमें ही दिया गया है। देख सकते हैं मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ कलर और इफ़ेक्ट वगैरह मैं चेंज कर सकता हूँ यहाँ पे। तो अभी हम चलिए चेक करते हैं हार्डवेयर, चलते हैं डिवाइस केयर में। यहाँ पे हम सबसे पहले देख लेते हैं, यहाँ पे आपको बैटरी देख लेते हैं। बैटरी आपको मिलता है यहाँ पे 4000 mAh का, जो पहले A50 में था। उसके बाद हम चेक कर लेते हैं स्टोरेज। स्टोरेज यहाँ पे आपको ज़्यादा मिलता है, 128 GB का स्टोरेज मिलता है। पहले आपको 64 GB का मिलता था A50 में, तो A50s में वो इंक्रीज हो गया है और 128 GB हो गया है। रैम यहाँ पे 4 GB का है, और अभी आगे आने वाला है एक और मॉडल जिसमें आपको 6 GB का भी रैम मिलेगा सेम स्पेसिफिकेशन के साथ। और यहाँ पे मैकेफे का डिवाइस सिक्योरिटी भी आपको मिलता है, जो कि सारे फ़ोन में है, ये कुछ नया फीचर नहीं है। अभी हम CPU जेड पे चलते हैं और चेक कर लेते हैं इसका प्रोसेसर वगैरह क्या है। तो देख सकते हैं यहाँ पे प्रोसेसर जो है 2.31 GHz का ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। यहाँ पे एक्जिनोस का आपका 9611 जो है प्रोसेसर दिया गया। आप बाकी सब यहाँ पे डिटेल देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके आप चाहें तो पूरा डिटेल देख सकते हैं। तो चलते हैं कैमरे पे, जो कि है मेन फीचर इस फ़ोन का, जो कि अपग्रेड हुआ है। पहले आपको 25 MP का कैमरा, रियर कैमरा मिलता था, लेकिन अभी आपको मिलेगा 48 MP का। बिल्कुल डबल हो गया है रियर कैमरे का, 48 8+5 ट्रिपल कैमरा है। फ्रंट में भी आपको 25 के जगह 32 MP का सेल्फी कैमरा मिलता है, जो कि एक बड़ा चेंजेस है आप A50 और A50s में। यही कंपनी का फोकस था कि कैमरे को इंक्रीज़ किया जाए, तो मेन फोकस कंपनी का कैमरा था, तो कैमरे को इंक्रीज़ कर दिया और बाकी भी कुछ फीचर एडिशनल ऐड हुए हैं। सुपर स्टडी वीडियो रिकॉर्डिंग और एआर डूडल जैसे फीचर भी आपको यहाँ पे मिलते हैं, जो नोट 10 में था। एआर डूडल नोट 10, नोट 10 प्लस में आपको A50s में भी वो फीचर मिलेगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ 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 लाइक और शेयर ज़रूर करिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और इस तरह के वीडियो आपको पसंद है, आगे देखना चाहते हैं, तो वीडियो को नीचे दिए गए लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब ज़रूर करिए। उसके बाद ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।